हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रैकोनिड्स वेस्प की मास मल्टीप्लिकेशन और फील्ड रिलीज के बारे में। गाइस, ब्रैकोनिड्स होता क्या चीज़ है? आखिर ब्रैकोनिड्स वेस्प है क्या? इनका क्या यूज़ है? इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि ब्रैकोनिड्स वेस्प जो हैं ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा फैमिली ब्रैकोनिडी के मेंबर्स होते हैं, जिनको ब्रैकोनिड्स वेस्प कहा जाता है। इनको बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। हार्मफुल जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनके कंट्रोल के लिए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में ब्रैकोनिड्स वेस्प का यूज़ किया जाता है। ब्रैकोनिड्स वेस्प जो हैं एक तरह से लार्वल पैरासिटॉइड्स होते हैं, जो कि लार्वा के ऊपर या लार्वा के पास में अपने अंडे देते हैं, और उनसे निकलने वाले जो लार्वे हैं वो अपने होस्ट को फीड करते हैं। दैट मीन्स ये होस्ट लार्वा पे अपना अंडे छोड़ते हैं। ब्रैकोनिड्स इज वन ऑफ द फेमस फैमिली ब्रैकोनिडी इज वन ऑफ द फेमस फैमिली अमोंग द फैमिली ऑफ पैरासिटॉइड वेस्प। ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्रैकोनिड्स वेस्प जो होते हैं ये एक तरह से पैरासिटॉइड होते हैं, जो कि अदर इंसेक्ट्स का को अपना होस्ट बनाते हैं। आफ्टर द इक्नुमोनिडी ब्रैकोनिडी इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली इन द ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। इक्नुमोनिडी फैमिली जो है उसके बाद सबसे बड़ा जो फैमिली है वो है ब्रैकोनिडी। लगभग 17,000 स्पीसीज इसमें, इस फैमिली के लगभग 17,000 ज्ञात स्पीसीज हैं, और कई हजार स्पीसीज जो हैं वो अभी भी अज्ञात हैं, जिनके बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। ब्रैकोनिड्स वेस्प जो हैं, ब्रैकोनिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं ब्रैकोनिड्स वेस्प, उनमें बहुत सारे स्पीसीज हैं जिनको हम मास मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। आज हम मेनली बात करेंगे ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस के बारे में। इसके अलावा और भी इंसेक्ट हैं ब्रैकोनिडी फैमिली के जिनका मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, बट ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस जो है एक एक्टो लार्वल पैरासिटॉइड है। एक्टो लार्वल पैरासिटॉइड दैट मीन्स ये इंसेक्ट के बाहर से फीड करने अपने होस्ट को बाहर से फीड करते हैं। दैट मीन्स ये अपने होस्ट को होस्ट के बाहर ही डेवलप होते हैं, अंडे लार्वे पैदा होते हैं इनके, और उसके बाद होस्ट पे फीड करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे मतलब ये इंसेक्ट जो हैं ये मेनली लेप्टोप्टेरा ऑर्डर के जो लार्वे होते हैं उन पे ही ये फीड करते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिकॉर्डेड फ्रॉम एंटीगोस्ट्रा कैटलोनिस इरिस स्पीसीज हेलिकॉर्पा आर्मिजेरा पेक्टिनोफोरा गोसिपेला चिलोपार्टिलस एट्सेट्रा। ये जो है इन पे जो इंसेक्ट्स हैं हेलिकॉर्पा आर्मिजेरा चिलोपार्टिलस पेक्टिनोफोरा गोसिपेला इन सभी इंसेक्ट पे अटैक करते हैं, इन सभी इंसेक्ट्स को अपना होस्ट बनाते हैं। ये नेचुरली जो है अपने होस्ट पे अटैक करते हैं, बट नेचुरली जहां हम इनको मास रिलीज नहीं करते वहां इन अपने होस्ट को बहुत कम मात्रा में पैरासिटाइज कर पाते हैं। दैट मीन्स ये इनका पैरासिटिज्म जो है नेचुरली बहुत कम होता है, बट इनका मास मल्टीप्लिकेशन करके मास रिलीज करके इनको हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर इट पैरालाइजेज मैनी लेपिडोप्टेरा लार्वे and some of them never revive. This contributes to indirect control. ये जो insects होते हैं ये अपने host को paralyze करते हैं, that means other insects जो हैं उनको paralyze कर देते हैं, जिससे कि indirectly कह सकते हैं कि indirectly insect pest का control ही होता है। और जिन insect को ये paralyze करते हैं उनमें से बहुत सारे insects जो है कभी दोबारा रिवाइव कर ही नहीं पाते, ठीक नहीं हो पाते हैं, जीवित नहीं होते, वो मर जाते हैं।
ये जो ब्रेकोन ब्रेविकॉर्निस जो इंसेक्ट है, इनके बहुत सारे होस्ट हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर यूज्ड एज होस्ट बाय ब्रेकोनिड वेस्प। जो ब्रेकोनिड वेस्प हैं, ये बहुत सारे कई हज़ार इंसेक्ट, कई हज़ार लार्वे हैं, कई हज़ार इंसेक्ट स्पीसीज हैं जिन पे ये फीड करते हैं। जिनके कुछ एग्जाम्पल, जो फेमस एग्जाम्पल, जो सबसे ज़्यादा जिनके बारे में ज्ञात है, वो है लेपिडोप्टेरन स्पीसीज, जैसे इंडियन मील मोथ, मेडिटेरियन फ्लोर मोथ, आलमंड मोथ, राइस मोथ, वैक्स मोथ, ग्रेन मोथ, कॉर्न ईयर वॉर्म या टोबैको बर्ड वॉर्म। ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं, ये ब्रेकोन ब्रेविकॉर्निस के या ब्रेकोनिस वेस्प के होस्ट हैं। हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पैरासाइटिंग द होस्ट। ये किस प्रकार से अपने होस्ट को पैरासिटाइज करते हैं। तो ये जो है, सबसे पहले अपने होस्ट को, क्योंकि चूंकि ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट्स, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें स्टिंग होते हैं, तो ये जो अपने स्टिंग से अपने होस्ट को डंक मारते हैं, जिससे कि वो डंक मार के उनको पैरालाइज कर देते हैं, अपने होस्ट को पैरालाइज कर देते हैं। और उनको, अपने होस्ट को पैरालाइज करने के बाद, अपने होस्ट के ऊपर या उसके बगल में, उनके शरीर के बगल में अंडे छोड़ते हैं, अपने अंडे देते हैं होस्ट के ऊपर या होस्ट के बगल में, उनके शरीर में, उनके शरीर के बगल में अंडे देते हैं, जिससे कि इनके अंडे से इनका लार्वा निकल सके और उनके होस्ट पे फीड कर सकें। व्हाइट सिलिंड्रिकल शेप्ड एग्स सिंगली इन वेरिएबल नंबर्स। ये जो है अलग अलग सिंगल सिंगल अंडे देते हैं, ये जो इंसेक्ट होते हैं अपने अंडे सिंगल सिंगल देते हैं। व्हाइट सिलिंड्रिकल शेप्ड होता है इनका अंडा, और इनके जो अंडे से जो लार्वे निकलते हैं वो अपने होस्ट पे फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके जो लार्वी जब इंसेक्ट होस्ट पे, अपने होस्ट पे फीड करना स्टार्ट करते हैं, तो इनके होस्ट का कलर चेंज होने लगता है, और धीरे धीरे चेंज होने के बाद इनका जो होस्ट होता है वो मर जाता है। एक डायग्राम के माध्यम से, एक चेन के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनका जो होस्ट है, सॉरी, ये जो इंसेक्ट है वेस्प, अपने होस्ट को किस प्रकार से पैरासिटाइज करते हैं। फर्स्टली, ये अपने होस्ट पे डंक मार के उनको स्टिंग के द्वारा उनको पैरालाइज करते हैं। उसके बाद पैरालाइज करने के पश्चात उनकी बॉडी के ऊपर अंडे देते हैं। दैट मीन्स ये जो अंडे हैं दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये वेस्प के अंडे हैं उनके होस्ट के बॉडी के ऊपर, और उनके होस्ट का जो बॉडी है उनके ऊपर अंडे देने के पश्चात कुछ घंटों में जब एक का हैचिंग होता है, तो इंसेक्ट के अपने होस्ट पे फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इंसेक्ट पे, अपने होस्ट पे फीड करने के पश्चात जो उनका होस्ट होता है उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और लास्टली जो उनका होस्ट होता है वो मर जाता है। और इस प्रकार से मरे हुए होस्ट के अंदर हमें जो वेस्प है उनके लार्वे दिखाई देते हैं। ब्रेकोन ब्रेविकॉर्निस के जो मास मल्टीप्लिकेशन है या मास प्रोडक्शन है, उसके प्रोसीजर के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेकोन ब्रेविकॉर्निस के मास मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मेथड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज बकेट मेथड एंड सेकेंड वन इज सैंडविच मेथड। मेनली सैंडविच मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैंडविच मेथड आसान होता है, इसको आसानी से किया जा सकता है। और सैंडविच मेथड में, सैंडविच मेथड का यूज़ करने से जो ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस है उसका ब्रेकोकार्ड के रूप में इनको बनाया जा सकता है। तो इसके लिए ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस के मास मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि
इनकी लेबोरेटरी होस्ट, इनके लेबोरेटरी होस्ट के रूप में हम कोर्सैरा सेफेलोनिका की लार्वी का यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल कल्चर में हम इसको ग्लास चिमनी या ग्लास में, सिलेंडर ग्लास में या ग्लास चिमनी में हम यूज़ करते हैं। कम मात्रा में जब हमें मास मल्टीप्लिकेशन करना हो उस कंडीशन में हम ग्लास चिमनी या सिलेंडर ग्लास का हम यूज़ करते हैं सैंडविच मेथड के लिए, सैंडविच टेक्निक के लिए। लगभग 20 अबाउट 20 मेटेड मेल्स सॉरी 20 मेटेड फीमेल्स आर कॉन्फाइंड इन अ ग्लास चिमनी कवरिंग बोथ साइड ऑफ द चिमनी विथ मसलिन सीट। एक ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास के दोनों साइड को हम कांच का जो ग्लास होता है सिलेंड्रिकल ग्लास, उस दोनों साइड को हम मसलिन क्लॉथ से ढक देते हैं और उसके अंदर लगभग 20 फीमेल्स डाल दिए जाते हैं, मेटेड फीमेल्स। दैट मीन्स हम उनमें कुछ मेल्स और कुछ फीमेल्स भी डाल सकते हैं ताकि वो मेटिंग करके वहाँ अंडे दे सकें। लेकिन अंडे, चूँकि ये जो इंसेक्ट होते हैं हमेशा अपने होस्ट के ऊपर या होस्ट के अपने होस्ट के बॉडी के साइड में अंडे देते हैं, सो इनके लिए होस्ट की आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं कि ग्लास चिमनी या ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास जार हम लेते हैं, उसमें हम 20 मेटेड फीमेल्स को रख देते हैं लगभग, और उनके दोनों सिरों को ग्लास के दोनों सिरों को मसलिन क्लॉथ से ढक देते हैं। मसलिन क्लॉथ के ऊपर साथ में ग्लास के अंदर इन इंसेक्ट के भोजन के लिए, उनका फीडिंग के लिए कुछ मटेरियल्स भी रखते हैं। जस्ट लाइक 50% हनी वाटर सॉल्यूशन को कॉटन में स्वैप करके, दैट मीन्स 50% हनी और 50% वाटर को मिक्स करके कॉटन में स्वैप करके बॉटल के अंदर रख देते हैं ताकि जो एडल्ट हैं उस पे वो फीड कर सकें। हाई प्रोटीन डाइट एट टाइम इम्प्रूव द सेक्स रेशियो। हाई प्रोटीन डाइट अगर हम देते हैं तो उनमें ज़्यादा रिप्रोडक्शन बढ़ता है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट भी उनको हम दे सकते हैं। समय समय पे जो उनका फूड, जो हम हनी को जब हम उनके फूड के रूप में दिए हुए हैं उसको हमें चेंज करते रहना चाहिए। अबाउट 10 फुल ग्रोन लार्वी ऑफ कोर्सारा आर प्लेस्ड बिटवीन टू साइड ऑफ फेसियल टिश्यू पेपर। दैट मीन्स दो टिश्यू पेपर लेते हैं और टिश्यू पेपर के बीच में हम लगभग 10 फुल ग्रोन कोर्सारा के लार्वे को रख देते हैं। उन कोर्सारा के लार्वे को हम टिश्यू पेपर के ऊपर रखने के पश्चात फिर से उसको सैंडविच की तरह, जो मसलिन क्लॉथ जो हम जिस जार में हमने ब्रेकॉन ब्रेविकॉर्निस को रखा हुआ है उसके ऊपर जो मसलिन क्लॉथ से हम कवर लगाए हैं, उस कवर के ऊपर हम उस टिश्यू पेपर को रखेंगे जिसमें हमने 10 कोर्सारा के लार्वे को रखा हुआ है। अब फिर से उसके ऊपर से मसलिन क्लॉथ से उसको ढक के वापस उसे रबर बैंड से बंद कर देंगे ताकि इंसेक्ट जो है वहाँ से बाहर ना निकल सकें। द चिमनी इज देन प्लेस्ड विद द होस्ट लार्वे फेसिंग अ विंडो और लाइट सोर्स। जो 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 मुहाना वाला जो हिस्सा होता है जार का या चिमनी का, जिस पे हमने लार्वी को जहाँ बांधा हुआ है उस साइड को विंडो साइड या फिर लाइट के साइड मूव करके हमें रखना है ताकि अंदर से जो ब्रेकोन के जो फीमेल हैं उनको वो दिख सके, और जो ब्रेकोनिट्स वेस्प हैं अपने होस्ट को देख के, होस्ट को पाके उसको सबसे पहले पैरालाइज करते हैं और उसके बाद वहाँ पे अंडे देना स्टार्ट करते हैं। फीमेल्स ऑफ ब्रिकॉन ब्रेविकॉर्निस आर अट्रैक्टेड टू द होस्ट लार्वी प्रो थ्रू द मसलिन एंड पैरालाइज द लार्वी ऑन ईच ऑफ विच दे ले अबाउट 25 एग्स पर डे। एक एक जो
लार्वी हैं, सॉरी एक एक जो वेस्प हैं, पर डे डेली लगभग 25 अंडे देते हैं। पहले उनको पैरालाइज करके लगभग 25 अंडे देते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ 24 आवर्स, द टिश्यू शीट बेयरिंग पैरालाइज लार्वी आर रिमूव्ड एंड हेल्ड इन अ फ्लैट प्लास्टिक कंटेनर। जो पैरालाइज टिश्यू, जो टिश्यू पेपर के ऊपर जो पैरालाइज लार्वे हैं, उनको हम वहाँ से हटा के फ्लैट कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, जिससे कि जो वेस्प हैं उनके लार्वे हैच होके फीड करना स्टार्ट कर सकें। लार्वे जब फीड करके स्टार्ट कर हैच होके जब फीड करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके पश्चात उनके जो होस्ट हैं उनका कलर चेंज होने लगता है और वो मर जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात जब वो फुली ग्रोन लार्वे प्यूपेशन में चले जाते हैं, जब प्यूपा बन जाते हैं, तो उनको हम ब्रेकोकार्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। द एग लार्वल प्यूपल एंड एडल्ट स्टेज इज कंप्लीटेड इन 28 to 36 आवर, 4 to 7 days, 3 to 6 days एंड 15 to 40 days रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो ब्रेकोन वेस्प होते हैं उनका जो एग स्टेज है लगभग 28 से 36 घंटे का होता है, लार्वल स्टेज 4 से 7 दिन का होता है, पीपल स्टेज 3 से 6 दिन का होता है, और ये एडल्ट होने पे लगभग 15 से 40 दिन तक ये जिंदा रहते हैं। द फीमेल पैरासिटॉइड इज कैपेबल ऑफ डिपॉजिटिंग अबाउट 150 to 200 एग इन इट्स लाइफ टाइम। ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 150 से 200 अंडे दे सकते हैं। एडल्ट रिवाइव अप टू 15 to 40 days, बट एग लेइंग यूजुअली टेपर्स ऑफ आफ्टर द फर्स्ट 10 days। दैट मीन्स एडल्ट होने के 10 दिन पश्चात ही ये जो इंसेक्ट हैं वो अंडे देना स्टार्ट करते हैं। ब्रेकोन ब्रेविकॉर्निस जो है, जो ब्रेकोकार्ड हमने बनाया हुआ है, इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में लगभग 30 दिन तक स्टोर करके हम इसको रख सकते हैं। ये एक फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं किस प्रकार से ब्रेकोन हैप्टर या ब्रेकोन ब्रेविकार्निस का सैंडविच मेथड से हम मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम वाइड माउथेड ग्लास जार लेते हैं, जो कि ग्लास जार जो जिसका जो मुंह है वो काफ़ी चौड़ा हो कुछ इस प्रकार से, और इस ग्लास जार में हम हनी जो है, शहद जिसको 50% सॉल्यूशन, हनी का 50% सॉल्यूशन से जो हमने कॉटन स्वैब कर रखा हुआ है, या 10% मिनिमम 10% हनी सॉल्यूशन का हम यूज़ करते हैं, उसको कॉटन स्वैब का हम इसके अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर लगभग 20 से 50 मेल एंड फीमेल एडल्ट को हम इसमें रखते हैं, और उसको मसलिन क्लॉथ से ढक देते हैं, जिसको हम रबर बैंड से बंद कर देते हैं। कवर द ओपनिंग विथ मसलिन क्लॉथ एंड टाई इट विथ रबर बैंड। 8 10 to 15 कोर्सारा बिगर लार्वी ऑन या मसलिन क्लॉथ। हम मसलिन क्लॉथ के ऊपर में लगभग 10 से 15 कोर्सारा लार्वी जो है, बड़े साइज के, बड़े आकार के जो कोर्सारा लार्वी हैं उनका हम उसमें रख देते हैं, और फिर से उस पे हम मसलिन क्लॉथ से उसको फिर ऊपर से ढक देते हैं, और इसे हम लगभग 2 दिनों के लिए छोड़ते हैं। आफ्टर 2 डेज ट्रांसफ़र द पैरासिटाइज लार्वे टू अ पेट्री डिश विथ अ पेपर। हम पेट्री डिश या किसी अदर चौड़े से जार में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ब्रेकोन के लार्वे वहाँ से निकल के जब अपने होस्ट को फीड करने के पश्चात में जब ये प्यूपेशन में चले जाते हैं, तो इस जो पेपर है उसको हम ब्रेको कार्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन इनको ब्रेकोन प्रेविकॉर्निस से ब्रेकोन हैबिटर के मास प्रोडक्शन का जो दूसरा मेथड है वो है
टब मेथड या बकेट मेथड। इसमें हम कुछ बकेट, एक बड़े आकार के बकेट को लेते हैं, सूखा बकेट, जिसमें हम कुछ सोरघम के ग्रेन या कुछ अनाज रखते हैं, ताकि उसी में कोर्सायरा जो है डेवलप हो सके। कोर्सायरा को, क्योंकि हम ब्रैकोन के लिए कोर्सायरा के लार्वी का ही हम होस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, सो इसमें हम कॉटन स्वैब पहले रखेंगे और कुछ सोरघम ग्रेन, लगभग 50 से 250 ग्राम सोरघम के ग्रेन रखते हैं, ताकि उसमें कोर्सायरा के लार्वी है उसमें फीड कर सकें। और इस टब पे, इस बकेट में लगभग 400 से 1000 कोर्सायरा लार्वी, इनको हम रख सकते हैं। 400 से 1000 कोर्सायरा लार्वी को रखने के पश्चात में उसमें लगभग 50 से 100 ब्रेकोन के एडल्ट को डाल दिया जाता है, और इसे कवर करके लगभग 30 से 40 दिन के लिए रख दिया जाता है। लगभग 30 से 40 दिन के लिए इस बकेट को बंद करके रख दिया जाता है। जो कॉटन स्वैब हमने रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रैकोन वेस्प जो है, ब्रैकोनिस वेस्प है, उनके फीडिंग के लिए हम कॉटन स्वैब रखते हैं। चेंज द हनी कॉटन वंस इन 2 डेज एंड टर्न द सोर्गम ग्रेन वंस इन अ वीक। जो सोर्गम ग्रेन है उसको सप्ताह में एक बार पलटना है, और जो हनी स्वैब हमने रखा हुआ है उसको हर दूसरे दिन चेंज करना है, ताकि इनके भोजन बनी रहे। इस प्रकार से लगभग 30 से 40 दिन में हमें बहुत सारे कोर्सायरा के जो लार्वी होंगे, पैरासिटाइज लार्वी, वो बहुत सारे पैरासिटाइज लार्वी हमको मिल जाते हैं। इनके फील्ड रेडियस के बारे में अगर बात करें, तो लगभग 4000 से 5000 प्यूपेट कोकून 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं, या फिर 2000 से 5000 एडल्ट पर हेक्टेयर काफ़ी होते हैं। तो 4000 से 5000 प्यूपेट कोकून या 2000 से 5000 एडल्ट हम एक फील्ड में हम इनको रिलीज कर सकते हैं। मेनली हम लेपिडोप्टेरॉइड ऑर्डर के कंट्रोल के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकोकार्ड जो है उसको हम, ब्रेकोन कार्ड को जो प्यूपा है उसको हम पत्ती के पिछले हिस्से पे डायरेक्ट स्टेपल करके हम रिलीज कर सकते हैं। या रिलीजिंग एडल्ट कलेक्टेड फ्रॉम सैंडविच और टब मेथड, रिलीजिंग एडल्ट इन टब मेथड, दैट मीन्स हम इसको आसानी से, जो एडल्ट है उसको यूं ही ले जाके टब मेथड से आसानी से रिलीज कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।